मुझे बेहद खुशी है कि पहली बार दिल्ली में कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को सम्मान और सुविधाएं मिलनी चालू हुई हैं। दूसरे राज्य के उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए 190 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा अपने लिए पर्सनली, जैसे आप गाड़ी खरीदते हो ना, स्कूटर खरीदते हो अपने लिए, ऐसे उन्होंने अपने लिए हवाई जहाज खरीदा है 190 करोड़ का। मैंने अपने लिए हवाई जहाज नहीं खरीदा, मैंने उससे अपनी मां बहनों का किराया मुफ्त कर दिया। 70 साल में किसी भी पार्टी की सरकार ने आप लोगों के साथ न्याय नहीं किया। एक तरफ आप देख रहे हो पूरे देश में कैसे उन्माद फैला पड़ा है, पूरे देश में कैसे ये सारी पार्टियां हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है, पूरे देश में गदर फैला पड़ा है, और दूसरी राजनीति है कि आपका मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है, आपका पॉली क्लिनिक बन रहा है, आपके अस्पताल बन रहे हैं, आपके स्कूल बन रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि पहली बार दिल्ली में कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को सम्मान और सुविधाएं मिलनी चालू हुई हैं। पिछले 70 साल से कच्ची कॉलोनी के लोगों को केवल अपमान और राजनीति देखने को मिली। जब भी चुनाव होते थे, हर चुनाव के पहले ये सारी पार्टियां आके आपको कहती थी कि हमको वोट दे दो, हम जीत गए तो आपकी कॉलोनी पक्की कर देंगे, हम जीत गए आपकी गलियां बनवा देंगे, हम जीत गए आपकी बिजली पानी सड़क नाली बनवा देंगे, सीवर पानी दे देंगे। लेकिन 70 साल में किसी भी पार्टी की सरकार ने आप लोगों के साथ न्याय नहीं किया। मेरे को याद है पिछले चुनाव के पहले जब मैं कच्ची कॉलोनियों में गली गली में जाया करता था, लोग अपने घर के सामने की सड़क दिखाया करते थे, बिल्कुल टूटी फूटी सड़क। कई लोग कहते थे जी इतना बुरा माहौल है, इतनी गंदगी, बारिशों के दिनों में इतना कीचड़ हो जाता है। कई लोग कहते थे जी बच्चों के रिश्ते भी नहीं आते, कोई रिश्ते वाला आता है कहता है कैसी हालत में रह रहे हो तुम लोग। आज पूरी दिल्ली के अंदर सारी कच्ची कॉलोनियों में हम लोगों ने सड़क नाली पानी सीवर सीसीटीवी कैमरे मोहल्ला क्लिनिक ये 6 चीजों के ऑर्डर दे दिए हैं। 1797 कच्ची कॉलोनियां हैं दिल्ली में, 1797 में से 1281 कच्ची कॉलोनियों में, 1797 में से 1281 कच्ची कॉलोनियों में हमने सड़कें भी बनवा दी, गलियां भी बनवा दी, नालियां भी बनवा दी, पानी की पाइपलाइन भी डलवा दी, सीवर की पाइपलाइन भी डलवा दी, कैमरे भी लगवा दिए, मोहल्ला क्लिनिक लग रहे हैं। जितनी बची हैं कच्ची कॉलोनियां उनमें काम चल रहा है, अगले 1-1.5-2 साल के अंदर बची हुई कच्ची कॉलोनियों का भी सारा काम पूरा हो जाएगा, उसका भी हमने ऑर्डर दे दिया, बजट सैंक्शन कर दिया। अगर हम 5 साल में कर सकते थे तो इन्होंने 70 साल में क्यों नहीं करा? गलत तो नहीं पूछ रहा भाई साहब? अगर हम 5 साल के अंदर आपकी गलियां नालियां पानी सीवर बना सकते थे, अगर हम 5 साल के अंदर आपको पानी सीवर दे सकते थे, आपकी गलियां बना सकते थे, सड़कें बना सकते थे, तो 70 साल में यह भी कर सकते थे। इनकी नीयत खराब थी, पैसे की तो कमी नहीं थी, पैसा तो उतना ही है, मैंने आपका कोई टैक्स तो बढ़ाया नहीं, उल्टे सारी चीजें माफी करता जा रहा हूं। इस बार बिजली के किस किस के बिल जीरो आए हैं जरा हाथ खड़े कर देना, सबके जीरो बिल आ रहे हैं। महिलाएं जरा हाथ खड़े कर दो, इस बार बसों का किराया मुफ्त कराए खुश होगी नहीं हो? पुरुष भी खुश है कि नहीं है आपके घर की महिलाओं का किराया मुफ्त हो गया? आपकी बसों का किराया मुफ्त कर दिया, आपकी बिजली मुफ्त कर दी, और आपके इतने सारे, इतने पूरी दिल्ली में इतने स्कूल बन रहे हैं, इतने अस्पताल बन रहे हैं, इतने मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। इस सब का एक ही कारण है कि आप लोगों ने, और अभी एक खुशखबरी दे दूं, अभी अभी इंजीनियर साहब बता रहे थे 2000 कैमरे तो आपके लग चुके,
बाकी 2000 कैमरे कल से लगने चालू हो जाएंगे। जो बच गए इलाके उनमें भी सीसीटीवी कैमरे लगने, पूरी दिल्ली के अंदर, ये केवल उत्तम नगर का नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर बचे हुए इलाकों के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगने चालू हो जाएंगे। तो आप लोगों ने ईमानदार सरकार चुनी है, हर काम के अंदर हम पैसा बचा रहे हैं। जैसे मेरे से किसी ने पूछा जब मैंने महिलाओं का किराया मुफ्त करा बसों का, तो ये विपक्षी पार्टी वालों ने खूब मेरे खिलाफ विरोध करा, बोले ये केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल पैसे बर्बाद कर रहा है, इतना पैसा कहां से आएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महिलाओं का बसों में किराया माफ करने के लिए टोटल 140 करोड़ रुपए लगे। बोले जी पैसा कहां से आएगा 140 करोड़, मैं बताता हूं कहां से आया पैसा। अभी अभी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे राज्य के, उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए 190 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा है अपने लिए पर्सनली। जैसे आप गाड़ी खरीदते हो ना, स्कूटर खरीदते हो अपने लिए, ऐसे उन्होंने अपने लिए हवाई जहाज खरीदा है 190 करोड़ का। मैंने अपने लिए हवाई जहाज नहीं खरीदा, मैंने उससे अपनी मां बहनों का किराया मुफ्त कर दिया। तो यहां से आएगा पैसा, हम फिजूल खर्ची नहीं करते, हम पैसा लुटने नहीं देते, हम भ्रष्टाचार नहीं करते। उस सारे पैसे से हमने आप लोगों की इतनी सारी सुविधाएं कर दी। दोस्तों आज दो किस्म की राजनीति चल रही है इस देश के अंदर। एक तरफ आप देख रहे हो पूरे देश में कैसे उन्माद फैला पड़ा है, पूरे देश में कैसे ये सारी पार्टियां हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है, पूरे देश में गदर फैला पड़ा है। और दूसरी राजनीति है कि आपका मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है, आपका पॉली क्लिनिक बन रहा है, आपके अस्पताल बन रहे हैं, आपके स्कूल बन रहे हैं। दोस्त इसके अंदर सबका इलाज होएगा, इसके अंदर हिंदुओं का भी इलाज होएगा, मुसलमानों का भी इलाज होएगा, इसके अंदर बनियों का भी इलाज होएगा, ब्राह्मणों का भी इलाज होएगा, एससी का भी इलाज होएगा, सबका इलाज होएगा। यह दूसरी राजनीति है। पिछले 70 साल में इन लोगों ने, इन पार्टियों ने कोई काम नहीं करा, इन पार्टियों ने इस देश को लूटने के अलावा कोई काम नहीं करा। देश को लूटते हैं और हम लोगों को हिंदू और मुसलमान करके बांटते रहते हैं, देश को बांटने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा। पहली बार एक सरकार आई है जो आपके बच्चों के लिए स्कूल बना रही है, स्कूल के अंदर हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ते हैं, मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ते हैं, स्कूलों के अंदर सारी जातियों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे भी पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे भी पढ़ते हैं। आज केवल एक पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो आपको प्यार और मोहब्बत की राजनीति दे रही है, जो देश को जोड़ने की राजनीति कर रही है। हम देश को टूटने नहीं देना चाहते। ये जो बिल लेके आए हैं, मेरे को समझ नहीं आता क्या जरूरत थी। कहते जी सबको लाइन में लग के अब अपनी अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, क्या जरूरत थी जी। देश में नौकरी नहीं है बच्चों के पास, अपने बच्चों के पास काम करने की वो नहीं है, पूरी आर्थिक मंदी हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, दुकानें बंद हो रही है, ग्राहक मिल नहीं रहे। इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। सारे मुख्यमंत्रियों को, अगर केंद्र सरकार सारे मुख्यमंत्रियों को बुला लेती, सारी पार्टियों को बुलाती और कहती भाई अपने को देश को आगे बढ़ाना है, बताओ कैसे नौकरी दें अपने बच्चों को, बताओ कैसे फैक्ट्रियां खोलें, बताओ कैसे नए नए बाजार खोलें, उससे तो देश आगे बढ़ता है। देश के अंदर इस तरह के कानून लाके, इस तरह के दंगे फसाद करने से तो देश आगे नहीं बढ़ता। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को बधाई देता हूं, आज इतना शानदार पॉली क्लिनिक आपके इलाके में खुला है। और इसी तरह से आप लोग अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, हम तो छोटे से थे, 5-6 साल पहले कोई जानता भी नहीं था कौन केजरीवाल है और कौन नरेश बाल्यान है, हम तो छोटे से थे आप ही की तरह। हम एक छोटे से परिवार से आता हूं मैं, इसलिए एक परिवार का क्या दर्द है वो मैं समझता हूं। महीने में जब बिजली का बिल आता था पहले, परिवार के अंदर मायूसी छा जाती थी, 5-5-6 हजार रुपए का बिल आया करता था। मेरे को पता है जब बिजली का बिल आता है कितनी तकलीफ होती है। अब जब लोगों के घरों में बिजली का बिल आता है, दिल्ली में तो दिवाली मनती है, अरे जीरो आ गया, अरे जीरो आ गया, वो अपने पड़ोसी को बताता है, वो अपने पड़ोसी को, लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं मेरा बिल जीरो आया, मेरा बिल जीरो आया। मेरे को पता है जब महीने के अंत में बच्चों की फीस देनी पड़ती है स्कूल की, कितनी तकलीफ होती है, कितनी फीसें बढ़ती जा रही थी। 5 साल से दिल्ली के स्कूलों में प्राइवेट स्कूल वालों को फीस नहीं बढ़ाने दी,
सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए, लोग अपने बच्चों को निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं, उसमें सारी शिक्षा माफ है। आपकी आज सारी शिक्षा माफ है, सारा इलाज माफ है, पानी माफ है, बिजली माफ है, बसों में किराया माफ है। ऐसी सरकार तो पूरी दुनिया में नहीं है जैसी आज आपकी दिल्ली के अंदर काम कर रही है। फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आप लोगों ने हमारा साथ दिया, ऐसा ही साथ आप लोग हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।